योगिनी एकादशी 2024। एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में दो बार एकादशी व्रत किया जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी होती है। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्रीहरि को प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का महत्व बाकी एकादशियों में सबसे खास माना जाता है। ऐसी मानता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्रती को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी 1 या 2 जुलाई किस दिन है, जाने सही तारीख, पूजा का मुहूर्त, नियम और महत्व। योगिनी एकादशी 1 या 2 जुलाई कब है 2024 में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी और समाप्ति 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उदय तिथि से मान्य होता है। ऐसे में इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा सुबह की जाती है। इसके लिए सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं योगिनी एकादशी का व्रत पारण 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 पर किया जाएगा। योगिनी एकादशी पर बन रहे हैं ये शुभ योग। योगिनी एकादशी पर अब की बार त्रिश पुष्कर योग और सर्वाध सिद्ध योग बन रहा है। 2 जुलाई को सर्वाध सिद्ध योग सुबह 5:27 से अगले दिन सुबह 3 जुलाई को 4:40 पर तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। योगिनी एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? पद पुराण के मुताबिक इस दिन व्रत या उपवास करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, साथ ही कई यज्ञों को करने का फल भी मिलता है। इस एकादशी पर श्री लक्ष्मी नारायण का पवित्र भाव से पूजा करना चाहिए। भूखे को अन्न तथा प्यासे को जल पिलाना चाहिए। एकादशी पर रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। इसे संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन ना करें इन चीज़ों का सेवन, वरना अधूरा रह जाएगा व्रत। एकादशी व्रत और आषाढ़ माह भगवान विष्णु को अति प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में इस माह में पढ़ने वाली एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, लेकिन इस व्रत का फल तभी मिलता है जब इसे पूर्ण विधि और नियम अनुसार किया जाए। चलिए जानते हैं व्रत का नियम, साथ ही व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, दशमी तिथि के संध्या काल में भी भोजन नहीं करना चाहिए। रात में केवल जल और फल का सेवन करें। सूर्य अस्त के बाद भोजन का त्याग करना चाहिए। नंबर 2, इसके बाद अगले दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने और भगवान विष्णु का पूजन करें। नंबर 3, एकादशी के दिन लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, इस दिन भूल कर भी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, योगिनी एकादशी के दिन सभी प्रकार के व्यसनों जैसे सिगरेट, शराब आदि से दूर रहे। नंबर 6, एकादशी के दिन साबुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ ही इस दिन बाल ना धोए और ना ही काटे। नंबर 7, इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नंबर 8, एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं तो क्रोध या वाद विवाद से बचे और किसी का अपमान ना करें। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। नंबर 9,
एकादशी व्रत के अगले दिन गरीब और ब्राह्मणों को दान देने के बाद ही व्रत खोले और शुभ मुहूर्त के भीतर ही पारण कर ले। नंबर 10, द्वादशी वाले दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था। रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का माली था, जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बहुत सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुए। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा कामाशक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली की बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म होंगे और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। माली ने ठीक ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। योगिनी एकादशी के 3 चमत्कारिक उपाय। नंबर 1, यदि आप जीवन में किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करें। एकादशी के दिन उपवास रखकर पालन करने से पहले गरीबों को वस्त्र, खाद्य सामग्री तथा ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा का दान करें। नंबर 2, जीवन के सभी कष्टों तथा पापों के निवारण के लिए एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप तुलसी माला से करें तथा भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय उसमें तुलसी पत्ता डालकर ही निवेद अर्पित करें। नंबर 3, इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। संध्या काल के समय तुलसी माता के समक्ष घी का दिया जलाकर 11 परिक्रमा करें तथा अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए पाप तथा कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।